ये क्वेश्चन नंबर 79। 2ab - b² अपॉन 6a² - ab बराबर 1/6 है, तो आपसे ए प्लस बी और अपन ए माइनस बी की वैल्यू पूछे। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया। तो कैसे करेंगे आप, ट्राई करिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आई होप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना 6ab - 6b² = 6a² - ab। ठीक है, ये आप इधर ले जाएंगे, ए भी इधर लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आपका हो जाएगा 6a² + 6b², और ये इधर आएगा तो 7ab, यहीं पे कहीं दिक्कत हो गई। हाँ, ये 12ab होगा ना, तो ये 13ab हो जाएगा। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए बी का भाग लगा रहे हैं, ठीक है, और 6 को इधर ला रहा हूँ, तो 13/6a² + b² / ab। ठीक है, आप यहाँ पे भी वैल्यू रख के देख सकते हैं कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, बट हम इसे थोड़ा सॉल्व सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, तो मैंने 2ab जोड़ा है, तो यानी कि -2ab घटाया भी होगा, और ए बी का भाग लगा दिया है, ये आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और -2ab/ab, यानी कि माइनस तो और माइनस तो इधर आएंगे, तो इधर आ जाएंगे, 13/6 + 2, ये आपका हो जाएगा 25/6, और ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए कि ए प्लस बी कितनी वैल्यू रखेंगे, 25 आ जाए, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, तो ए बराबर 3 और बी बराबर 2 रख सकते हैं, या फिर ए बराबर, हमें कुल मिला के ए प्लस बी चाहिए ना, तो ए बराबर 2 रखें, बी बराबर 3 भी रख सकते हैं, और यहाँ से 3 दूनी 6 भी आ जाएगा, और 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 भी आ जाएगा, तो यानी कि ए बराबर 3 बी बराबर 2 पर वैल्यू सेटिस्फाइड है। तो आप देखिए ए प्लस बी जब हम रखेंगे, ए प्लस बी जो कि चाहिए तो 5, और ए माइनस बी करेंगे तो 1। ठीक है, तो वही हमारी 5 तो ऑप्शन हो जाएगा, एक ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान की दीजिए यहाँ पे, क्या मैं इन्हें -3 और -2 नहीं रख सकता, वो भी रख सकता हूँ। यहाँ पे -3 और -2, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और -3 और -2 का मल्टीप्लाई करूँगा तब 6 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हम 5 और -5 दो वैल्यू हो जाएंगी मेरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक बार और सॉल्यूशन देख सकते हैं आप कैसे कराया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।